मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, शून्यकाल की आम जनता ने, आम लोगों ने प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, ये कोई अन्याय नहीं सर। ये हाथ में हिंदुस्तान की संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान ये हाथ में लेकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इसके ऊपर गोली चलाए जाते हैं। बेरहमी से हिंदुस्तान को, आम लोगों को खून किया जाते हैं। सर आपका जुगल किशोर शर्मा जी, हेलो सर, आप सीट पर बैठे बैठे हाउस नो जुगल किशोर महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र जम्मू की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सर ये सरकार गोली से आम लोगों की बोली बंद नहीं कर सकते। ये विषय पर ये नकली हिंदू है, असली हिंदू होने से गोली से नहीं खून किया जाता। रात को 12 बजे तक लंबी चर्चा हो चुकी है, आप सभी माननीय सदस्य इस पर बोल चुके हैं और जिस पर सदन पे एक बार चर्चा हो जाए उस पर दोबारा चर्चा नहीं की जाती है। मैं आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ है। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया, शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, शून्यकाल। माननीय सदस्यगण, मुझे माननीय सदस्यगणों की स्थगन की सूचनाएं प्राप्त हुई है। मैंने किसी भी स्थगन प्रस्ताव की कोई सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की है। मैं पुनः माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, वह अपने अपने आसन पर विराजें। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र के बाद शून्यकाल शुरू होगा। माननीय सदस्यगण अपने अपने आसन में विराजें। आइटम नंबर 2, हाँ तो आइटम सभा पटल पर रखे जाने वाले ऐसे बात नहीं करते हैं। माननीय सदस्य ट्रेंडिंग लो थोड़ी बहुत।